हेलो एवरीवन, तो अरोड़ा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज है जो लोग कम्पिटेटिव एग्जाम्स यानी पंजाब स्टेट एग्जाम या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा नया बैच जो है अभी हाल ही में स्टार्ट हो चुका है, तो ले चलता हूं मैं आप लोगों को अपनी क्लासरूम की तरफ। उससे पहले आपको बता दूं, पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा रिजल्ट हमारे है, विद प्रूफ हम यूट्यूब पर आते रहते हैं और सबसे बड़ा यानी कि दावा हम लोग ठोकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखो वादा कर रखा है कि अगर सबसे ज्यादा रिजल्ट ना रहे तो पढ़ाना छोड़ देंगे। हिम्मत होनी चाहिए ऐसे बात बोलने के लिए। ध्यान रखना, सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हाल ही में हुआ है उसके अंदर भी बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा और लगभग 200 प्लस तो लगभग क्लियर है। ध्यान रखना, हो सकता है 300 प्लस सिलेक्शन अकेले हमारे इंस्टीट्यूट के हो। आने वाली वैकेंसी में पूरा टारगेट होगा कि 80-90% वैकेंसी जो है हमारे स्टूडेंट लेके जाए। कारण, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़ता है वो करता है पढ़ाई को लेकर एक पागलपन, है ना, यानी पूरी दिन रात मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि हम मोटिवेट इतना करते हैं। ध्यान रखना, हमारा हर बैच हाउसफुल होता है, हर बैच में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में स्टूडेंट जो है क्लास लगाने के लिए आते हैं, है ना, चाहे वो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कोई भी मंथ का बैच हो, हर बैच में दुनिया भर के स्टूडेंट हमारे पास आए और हमें विश्वास जताया ना। तो ध्यान रखना, मैं वादा करता हूं आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देते ही रहेंगे और हमारी टीम आप लोगों के लिए पागलपन करती रहेगी। तो चलो मैं आप लोगों को ले चलता हूं क्लासरूम की तरफ, है ना। क्लास लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगा ये कोर्स घर पे बैठे बैठे कैसे कर सकते हो। कोशिश करो, अगर आप बठिंडा आ सकते हो, नहीं आ सकते हो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यही कोर्स सेम कोर्स घर पे बैठे बैठे भी लगा सकते हो। चलो मैं ले चलता हूं आप लोगों को क्लासरूम की तरफ और करते हैं स्टार्ट क्लास। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? दिवाली आ गई फिर? चलो बैठो। दिवाली वाले दिन बुला ले पढ़ने के लिए हैं? हाँ, कोई ना बोलना, हिसाब लगा लेना। ओके,
तो आज हम एक बहुत ही अच्छी ट्रिक करेंगे, इवन नंबर गैप ट्रिक। कल अपनों ने जो किया था वो कंप्लीट कर लिया, हो गया था। कोई तुमको ताने तो नहीं मारता, कोई किसी को कोई ताने मारता हो? अच्छा, इसको मार। ऐसा वक्त लाओ कि जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त ले। ऐसा टाइम आएगा कभी? तो आएगा। पढ़ रहे हो? पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना, पूरी मेहनत करनी है, टिका गए फिर 4 से 6 महीने पूरे इंस्टीट्यूट के नाम कर देने और फिर देखना सारी चीजें होंगी। जो नाराज होता है नाराज होने दो, जो नाराज होता है, ये 6 महीने सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट के हैं, जो भी मुंह बनाए बनाने दो, बाद में सारे अपने आप के पीछे जड़ेंगे। जब कामयाब हो गए ना सारे जने अपना गुस्सा भूल जाएंगे, कामयाब होने चाहिए। बहुत गंदा जमाना आ रहा है, मैं पहले कह रहा हूँ, अभी भी बहुत गंदा टाइम है। हम उस रिश्तेदार का फोन उठाना पसंद नहीं करते जो रिश्तेदार जो है हमसे लो लेवल के, और जो हमसे ऊपर होता है उनको जी 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 करते हैं। खुद आप खुद देख लो अपने घर पे, कोई जना हमसे लो लेवल का फोन आ जाए, अरे भाई ये पैसे पूसे मांगेगा, ये कुछ ना कुछ दिक्कत खड़ी करेगा ना। भाई भाई का नहीं आज, तो तुम दोस्ती के सारे जी रहे हो। भी मेरा दोस्त जिसके साथ तुम घूम फिर रहे हो ना, सिंगल परसेंट नहीं साथ देगा तुम्हारा, ठीक है ना। छोड़ दो दोस्ती दस्ती, जिसमें तुम घूम फिर रहे हो, कोई 4 पैसे की चीज खिला दे बस उसके मगर मगर पीछे वजह चल पड़ते हो, ये मेरा सच्चा दोस्त है। कोई सच्चा दोस्त नहीं है, ध्यान रखना, मैं पहले कह रहा हूँ, पैसा सबसे बड़ा है। एक आधी बार चाहे वो आपकी हेल्प कर देगा, 5-7 हज़ार दे देगा आपकी मुसीबत, दूसरी बार मांगोगे वो कन्नी काटेगा, बहाने बनाएगा। मैंने बहुत देखे हैं दुनिया में, ठीक है ना। अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है। अब खुद देखो पिछले 10 सालों में अपने बाथरूम में कितनी चीज़ें बढ़ गई, फालतू की चीज़ें आ गई हमारी बाथरूम में। नहाने वाला साबुन अलग अलग तरह के आ गए, लिक्विड सोप आ गया जी हाथ धोने, लिक्विड सोप से धो, शैम्पू आ गया, कंडीशनर आ गया, बहुत फालतू की चीज़। पहले ऐसे कुछ थी टूथपेस्ट फलाना, पहले नीम की दातुन करते थे लोग पुराने 10-12 साल पहले, अब टूथपेस्ट अलग अलग तरह के आ गए। दांत दर्द करेगा तो इस तरह का टूथपेस्ट लगाओ, फलाना होगा तो इस तरह का लगाओ। आगे आने वाले टाइम में और चौंचलेबाजी बढ़ने वाली है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतना इंसान पंगे ले रहा है, या तो तबाह करके मानेगा धरती को, क्या नई नई चीजें बनाएगा। ड्रोन कारें आ गई हैं, ऐसे 2-3 जने बैठेंगे ऐसे उड़ के कहीं चले, ये सिस्टम सड़क वाला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। गरीब लोगों के पास कारें मोटरसाइकिल हुआ करेंगे, और जिनके पास पैसा होगा वो हवा में उड़ के जाया करेंगे, देखना आने वाले टाइम में हवा में उड़ के जाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, ऐसे मोटरसाइकिल कारों पर जाना है, हवा में जाना है, तो बेवकूफ पढ़ लो बहुत है ये। अभी आप देखते जाओ लॉन्च हो गई है एयर टैक्सी या एयर ड्रोन टाइप की सीट, 2 सीटर 2 सीटर है, साल के अंदर अंदर आप देखने लेना आने लग जाएंगे मार्केट में। साल के अंदर 2023 के अंदर आप ऐसे कर लो शुरुआत हो जाएगी, लोग खरीदना स्टार्ट कर देंगे। शुरू में टेक्नोलॉजी महंगी होगी, धीरे धीरे आगे जाके और सस्ती होगी। एलन मस्क है, उसने टारगेट कर रखा है अभी 2025 तक इतने लाख लोगों को मंगल ग्रह पे लेके जाऊंगा, 2025 ही आ गया 2025। वहां पे वो क्या कर रहा है, एक ऐसी सिटी बना रहा है, सिटी के ऊपर से पूरी सिटी को कवर करेगा, उसके अंदर ऑक्सीजन छोड़ देगा, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन तो वहां पे है, खुद और छोड़ देगा और पेड़ पौधे उगाएगा अंदर, और जब लगेगा ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगी फिर उसको ओपन कर देगा। पूरी एक बहुत बड़ी सिटी होगी, बठिंडा से भी बड़ी सिटी होगी, ऐसे इतनी बड़ी सिटी उसके ऊपर से कवर करेगा। किसको लेके जाएगा? तुम भिखारियों को तो लेके जाएगा नहीं, वो किसको लेके जाएगा हैं बोलो, आपको किसको लेके जाएगा? हमको फिर पढ़ो यार, अगर आप चाहते हो भी आपको भी लेके जाए वो, पूरा एडी चोटी का जोर लगा दो, ये एज है यार, और इसमें एंजॉय ढूंढो, मेहनत करने में एंजॉय ढूंढो। मैं मेहनत करता हूँ, मैं इसको एंजॉय करता हूँ,
ठीक है ना, एक बार फटाफट गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, उसके बाद आगे सोचना मुझे आगे और करना क्या करना क्या, बहुत कुछ करेंगे यार। मैं पहले कह रहा हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है कुछ सालों में। पहले एडवांस पता लग जाएगा कि 6 महीने बाद धरती से कोई चीज टकराने वाली है, पहले एडवांस पता लग जाएगा। क्योंकि एलन मस्क फटाफट भर भर के लेके जाएगा मंगल ग्रह पे भी, धरती खत्म होने वाली है, कुछ लोगों को यहीं छोड़ देगा। समझ गए? अमेरिका ने वो एक बूढ़ा चूहा था, उसके सेल निकाल के सेल सेल के कारण अपने जीते हैं, अपने बूढ़े क्यों होते हैं, झुरियां क्यों पड़ती हैं, हमारे सेल बनने बंद हो जाते हैं, पुराने सेल मरने लग जाते हैं, हम इस कारण बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। उसने उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया अमेरिका के, चूहे के सेल निकाल के नए सेल ट्रांसफर करने वाला कर दिया, वो जवान हो गया, अब इंसानों पे हो रहा है। वो हर एक किसी को नहीं देंगे ध्यान रखना दवाई, मरेंगे नहीं अपने ध्यान रखना, हो सकता है आने वाले टाइम में हम मरे ही ना, लेकिन वो जो टीका लगेगा वो हर एक को लग जाएगा क्या? किसको लगेगा? जिसके पास जीना जाते हो हैं? तो पढ़ लो बेवकूफ, पूरा जोर लगाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे। लग रहा है मेरी बातें, मैं गप मार रहा हूं, कितने को लग रहा है सर गप मार रहे हैं? ये देखो मैं ना हाथ काट दूंगा तेरे। ये अमेरिका वाली कहानी समझ लो, ये एक महीने पहले न्यूज़पेपर में आई हुई बात, ये सुनी है किसी ने नहीं सुनी थी? चूहे के सेल निकाल के उसको बूढ़े चूहे को जुबान कर दी, किसी ने सुनी? तुम्हारी बे है फिल्म में देखी थी, न्यूज़पेपर में आया था, झूठ नहीं बोला। चलो तो भाई स्टार्ट करें आज की कहानी। आज हम करेंगे शॉर्टकट इवन नंबर गेम। देखो हमारा इंस्टीट्यूट छुट्टी रख रहा है मंडे और ट्यूजडे की, मंडे और, लेकिन छुट्टी नहीं है। छुट्टी वाले दिन को हम बोलते हैं पढ़ने वाला दिन। क्या बोलते हैं? मैं आपको ढेर सारा होमवर्क दूंगा, जैसे छुट्टियों का होमवर्क मिलता था ना जब हम स्कूल में जाते थे, छुट्टियों का होमवर्क मिलता था, ऐसे आज आपको छुट्टियों का होमवर्क मिलेगा। कुछ लोग करेंगे जिन्होंने कुछ बनना है, कुछ लोग इंजॉय करेंगे इन छुट्टियों को, कोई बात नहीं, भाड़ में जाओ करते रहना इंजॉय, आगे पता लगेगा तुम्हें। मैं आपको छुट्टियों का होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क कंप्लीट करके लेके आना, ठीक है? इवन नंबर गैप क्या शॉर्ट ट्रिक है भाई, देखते हैं। मैं कुछ स्केरे लिख रहा हूं, देखो मैंने आपको एक दिन हल्का सा हिंट तो दिया था कि जब आपको दो संख्याओं को गुना करना है, जब आपको दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है जिनमें इवन नंबर का गैप हो, इवन नंबर गैप, इवन को पंजाबी में क्या बोलते हैं, जिस हिंदी में बोलते थे सम संख्या है ना, सम संख्या है, जिस जिनमें इवन नंबर सम संख्याओं का गैप हो, यानी जिस नंबरों का गैप, जैसे कि दो चार, जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, इन दोनों में अगर दो का गैप है, चार का है, छह का है, आठ का, नौ, दस का है, बारह का, इवन नंबर का गैप है, तो इनका मल्टीप्लाई हम शॉर्टकट में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट, इनकी बीच की संख्या। ध्यान से सुनो एक बार थोड़ी तकलीफ होती है, इनकी बीच की संख्या निकालनी है, मिड पॉइंट। देखो बीच की संख्या निकालने का तरीका बताता हूँ, दो तरीके हैं। पहला तरीका, इन दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर दो, इन दोनों को जोड़ के दो से, अरोड़ा क्लास ऐप का लिंक जब कोई मांग रहा है दे दिया करो ना चैट में, दे दिया करो, पिन कर दिया करो और मैसेज कर दिया करो, बड़ा करो मैसेज, जो भी चीज मांगते दिया करो उनको। सबसे पहले इनकी बीच की संख्या निकालेंगे, ध्यान रखना एक मैं हूं एक आप हो, समझ लो एक मैं हूं एक हम, दोनों के बीच का नंबर निकालें। हम दोनों में कितने का गैप है? अगर हम दोनों में दो का गैप हो तो मेरे में एक जोड़ दिया करो, मेरे में कितना जोड़ दिया करो, हमारी बीच की संख्या आ जाएगी। अगर हम दोनों में चार का गैप हो तो मेरे में दो जोड़ दिया करो, यानी आधा जोड़ा करो।
अगर 6 का गैप हो तो 8 का हो तो हमारी बीच की संख्या आ जाएगी। सबसे पहले बीच की संख्या निकालनी जरूरी है, ये शॉर्टकट है। दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करेंगे, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। 2 का गैप है मेरे में, एक जोड़ो, बीच की संख्या क्या गई। मैं अभी यहां पे 2 संख्या लिखूंगा, आपने उनकी बीच की संख्या लिखनी है, समझ गए। बीच की संख्या 12, हम दोनों में कितने का गैप है। अगर 4 का गैप होगा तो मेरे में कितने जोड़ने हैं, आधे, 2 जोड़ना। 10 और 14 के बीच की रकम 12 होती है। आपको 2 संख्याओं के बीच की रकम बहुत फास्ट निकालनी आनी चाहिए, आपको 2 संख्याओं के बीच की रकम बहुत फास्ट है। इक्कीस में से 15 के कितने होते हैं, 6। 6 का गैप हो तो मेरे में कितने जोड़ने हैं, क्या आ जाएगी, हम दोनों के बीच की संख्या, हम दोनों के, अगर 2 का गैप है तो मेरे में कितना जोड़ने हैं, 4 का है तो, 6 का है तो, समझ आ रहा है, क्या आ जाएगी हमारे दोनों के बीच की संख्या। हम दोनों के बीच की संख्या क्या है, बीच की संख्या निकालोगे। अगर जब भी आपको बीच की संख्या निकालनी हो, जितने का गैप है उसको आधा करके छोटी संख्या में जोड़ देने। जेल वार्डन 700 के करीब वैकेंसी आ रही है, जेल वार्डन, पटवारी आएगी, कॉन्स्टेबल, यानी मौका ही मौका है यार, बहुत जबरदस्त मौके मिलने वाले आप लोगों को, बस मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में, अब तो फीस जमा करा भी दी, अभी भी मैं आपको बोलूंगा बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में आए हो यार, प्राउड फील करोगे कि यार कहां से कोचिंग लिया। तो बीच की संख्या निकालकर आपको उसकी करनी है स्केयर, क्या करनी है, अगर बीच में 5 आया 5 की स्केयर करनी है, बीच में 12 आया 12 की स्केयर करनी है, बीच में 18 आया 18 की स्केयर करनी है, बीच में 15 आया 15 की, जो भी बीच की संख्या होगी उसकी क्या करनी है, माइनस डिफरेंस की स्केयर। ये डिफरेंस किसको बोलते हैं, इन दोनों, ये डिफरेंस नहीं बोलूंगा इसको, मैं गैप बोल देता हूँ इसको, गैप, ये डिफरेंस बोलता हूँ। देखो आपने मेरे में कितना जोड़ा है, 1, तो ये डिफरेंस है, मेरे में कितना जोड़ा है उसकी स्केयर करनी है, ऐसे समझ लो। आपने मेरे में 1 जोड़ा था, ये 1 का डिफरेंस है, आपने मेरे में 2 जोड़ा था, ये 2 का डिफरेंस है, डिफरेंस की स्केयर घटा देनी है। आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लाई शॉर्टकट में आ जाएगा, लॉन्ग ट्रिक से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आगे जाके फायदा पता लगेगा इनको, ठीक है ना। चलो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, 5 की स्केयर 25, डिफरेंस कितने का है, 1 की स्केयर 1 होता है, कितना आ गया। ये शुरू शुरू में लग रहा है देखने में बड़ा लेंथी है, स्क्वायर स्क्वायर, ये मन में करोगे अभी देखना, थोड़ी देर बाद मन में करोगे। 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई 24 आ गया, चाहे देख लो 4 सिर्फ 24 ही होता है। चलो बीच वाली संख्या की स्केयर 12 की स्केयर, डिफरेंस 2 का, 2 की स्केयर 4, 144 में से 4 गया 140, देख लो 10 × 14 140 ही होता है। आपको क्या करना है, बीच वाली संख्या की स्केयर निकालनी है मन में, और ये डिफरेंस की स्केयर मन में माइनस कर देनी है। अगर ये डिफरेंस 2 का है तो 2 की स्केयर घटाओ, 1 का है तो 1 की स्केयर घटाओ, 4 घटाए, 144 में से 4 गया 100। अब दिक्कत उनको होगी जिनको इसकी स्केयर नहीं पता 12 की। अब मैंने सुर सुर में स्केयर सिखाई थी, सिखाया था कि कैसे 100 के नियर बोर्ड की स्केयर निकाल सकते हैं, है ना। बाद में तार सेट करना है इधर ना। मिड पॉइंट 15 की स्केयर, डिफरेंस 1 का, 1 की स्केयर 1, 225 में से 1 गया 200। आप इसका मल्टीपल लॉन्ग ट्रिक से करके देख लो, 10-12 सेकंड लग जाएंगे, यहाँ पे 1 सेकंड लगेगा। आपको करना क्या है, मिड पॉइंट की स्केयर निकालनी और डिफरेंस की स्केयर उसमें से ट्राई करना। अब मिड पॉइंट अपने आप निकालना, अगर हम दोनों में 2 का गैप है तो मेरे में कितना जोड़ोगे, मिड पॉइंट आ जाएगा। अगर मेरे में 1 जोड़ा है तो 1 की स्केयर घटाएंगे, अगर मेरे में 2 जोड़ा है तो, मुझे बताना कितना इन्होंने मन में किया, माइंड में किया। यहाँ पे एक सवाल लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ, पेन नहीं यूज करना। क्या आएगा, 396, क्या आएगा, बाकी लगभग जो पीछे रह गए एक बार वो ट्राई करो, जो पीछे रह गए हैं वो एक बार ट्राई करो। कितने लोग आंसर आगे हाथ खड़े करेंगे,
बाकी लोग अब लिख के कर सकते हैं, जिनसे नहीं हो रहा वो लिख के कर सकते हैं। अगर हम दोनों में चार का गैप है, सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, अगर हम दोनों में चार का गैप है तो मेरे में कितना जोड़ोगे, दो, 22 में से 18 के चार होते हैं ना, दो जोड़ो। मिड पॉइंट की स्क्वायर डिफरेंस दो का, दो जोड़ा था ना तो डिफरेंस दो का, इसको डिफरेंस बोलते हैं, दो की स्क्वायर चार घटाओ, 400 में से चार गया 396, 300। मैं आज आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं, बहुत काम आएंगे यार, मैं आपको पहले कह रहा हूं। अच्छा लेके नहीं गए कल, ये नौ है, ध्यान रखना, जब दो संख्याओं में इवन नंबर का गैप, इवन नंबर मतलब दो चार छह आठ दस, ये शॉर्टकट सिर्फ तभी लगेगा जब इवन नंबर का गैप होगा, ओड का गैप हुआ एक तीन पांच तब नहीं लगेगा, तब क्या करेंगे वो आगे जाके देखेंगे। एक बार ये सीखो, अगर किन्हीं दो संख्याओं में इवन नंबर का गैप हुआ तो उनका मल्टीप्लाई आप शॉर्टकट में करना, आज के बाद लॉन्ग ट्रिक से नहीं करना, समझ आ रहा है। मैं आपको कहूंगा, हालांकि साफ पता है 13 7 91 होता है, लेकिन फिर भी इस ट्रिक से निकालना, क्या उस भी 91 आंसर आता है, ट्राई करना, ट्रिक से भी 91, वैसे लॉन्ग ट्रिक से कर दिया मैंने तो भी मुझे पता 13 7 91 होते हैं। तो कितने का गैप है, 6, मेरे में कितना जुड़ेंगे, एक मैं हूं एक आप हो, मेरे में 3 जुड़े, अगर 3 जुड़े स्केयर 3 की घटाएंगे, 10 की स्केयर 3 की स्केयर 100 में से 9 गया, समझ आ रहा है। देखो अभी तक ये देखो ये करते हैं, कितने का गैप है 6 का, इसमें कितने जुड़े 3, 18 की स्केयर 300, 3 की स्क्वायर 9, 324 में से 315 कितना आएगा, 315। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्लास में ना अपनी क्लास में यहां पे लिख के भी लगाया हुआ है, डोंट यूज मोबाइल फोन, ये देखो आप जब इंस्टीट्यूट में आओगे उसके बाद मोबाइल फोन आपकी जेब से बाहर निकल ही नहीं सकता, कहानी खत्म, समझ गए। हाँ मैं एडवांस बता रहा हूं, मोबाइल फोन जेब से बाहर नहीं निकल सकता, जिस दिन मोबाइल फोन बाहर निकल गया बस उस दिन फोन जब्त कर लेंगे तुम्हारा, मैं आपको साफ कह रहा हूं यार, कहना मान लो, प्राउड फील होगा भी यार किसी अच्छी जगह पे लग गए थे यार, छह में नहीं मांग रहा हूं, बाकी तुम्हारा ही है, बाकी पूरी जिंदगी तुम्हारी है, जो मस्ती करनी करते रहना, अब एक बार 6 महीने अपने भाई का कहना मान लो, अभी तक बीच का नंबर 5 12 18 15 10 20 यही बन रहा था, हर बार यही थोड़ी बनेगा, हर बार यही थोड़ी बनेगा, बीच के नंबर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं बनेंगी, ऐसे भी हो सकता है मैं आपको कह दूं 102 इंटू 104, अब बीच का नंबर जो 103 बन गया, 103 की स्केयर मैंने सिखाई थी 106 09, एक की स्केयर घटाएंगे 106 08 आ गया। अब बीच की संख्या बड़ी भी हो सकती है, और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया मैंने उनके उनके लिए बता दूं, देखो 1 से लेके 140 तक की स्केयरें आपको याद होनी चाहिए, 1 से लेके 100 याद सिर्फ 40 तक ही करनी है, कितना करनी है 41 से लेके 70 तक की स्केयर कभी भी निकालनी पड़े ये तो याद ही करनी है, याद करनी है, ये करेंगे 15 ईयर वॉट ट्रिक से। कौन सी ट्रिक से, ये 15 ईयर वॉट ट्रिक क्या होती है, कोई बात नहीं मैं आपको आज बताऊंगा, छुट्टियां मिल रही हैं मैं आप लोगों को बता दूंगा,
कहां पे जाके घर पे इन छुट्टियों में आप पिछले 2-3 दिन की क्लासेस जो निकल गई वो कवर कर सकते हो। 2-3 दिन की छुट्टियां होगी, संडे मंडे ट्यूजडे, 3 दिनों में जिनके लेक्चर मिस हुए हैं एकाधा भी, मैं आपको ऐप बताऊंगा उसके अंदर, बिना अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई मान लो तो भी आप उसके अंदर जाके देख सकते हो कंटेंट पुराना और उसको कवर कर सकते हो छुट्टियों में। बिल्कुल बराबर आ जाना, बुधवार से हम लोग बिल्कुल सारे एक साथ बराबर होकर चलेंगे आगे। इसके बाद 71 से लेके 140 तक इस केयर हमको 100 वाली ट्रिक से आनी चाहिए। कौन सी ट्रिक से है ना, तो ध्यान रखना ये 100 वाली ट्रिक से होगा। 100 से कितना ज्यादा है, 3 जोड़ेंगे 106, 3 की स्केयर 09 में से 1 की स्केयर 1 घटाया 106.08 आ गया ना। तो संख्याएं बड़ी भी हो सकती हैं संख्याएं, मैं आपको वर्कशीट अभी वर्कशीट दूंगा, तकलीफ होगी शुरू शुरू में, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन 10-10 बार प्रैक्टिस करना उसको, 10-10 बार प्रैक्टिस करना, स्पीड बनेगी। पहले स्केयरों के ऊपर वर्क करना करते आगे। क्या आपको 40 तक स्केयर याद है? आपने एक फेयर रजिस्टर में 1 से लेकर 140 तक की स्केयर लिखनी है। अब ये स्केयर ही नहीं निकालनी आती फिर इनका मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। कर लो फिर लॉन्ग ट्रिक्स करो, मेरा क्या जाता है, आधा घंटा लगाते रहना फिर, समझ रहे हो। जब भी दो संख्याओं के बीच में इवन नंबर का गैप होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 तभी ये सॉर्ट कर लगेगा। क्या फॉर्मूला है, मिड पॉइंट की स्केयर माइनस डिफरेंस की स्केयर। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, अगर हम में 2 का गैप है तो मेरे में कितना जोड़ोगे, 4 का गैप है तो, 6 का गैप है तो, समझ आया। जितना मेरे में जोड़ोगे उतने की स्केयर घटानी है लास्ट में, उतने की स्केयर घटानी। अब अगला टाइप बताऊंगा, उल्टा उधर से वापस इधर आना सिखाऊंगा, बहुत अच्छी गजब की ट्रिक है। ऑनलाइन वाले कान खोल के सुन लो, मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि अगर क्लास लगानी है रूटीन में लगानी है, ठीक है ना। दिवाली धूली सब कुछ भूल जाओ, ध्यान रखना कोई हॉलीडे नहीं है, कोई छुट्टियां नहीं है जिंदगी में, कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है ना। प्रॉपर लगातार लगाओ, वही जीतेगा। जो एक बार में ये बोल पड़ा कि हाँ कल करेंगे, चलो आज तो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जानी है, नहीं बस वहीं पर आप खत्म हो, ऐसा समझ लो। जिद्दी पर जो ठान लो कि बस फाइनली जिंदगी में कुछ करने ही करना है। जिन लोगों ने ऑनलाइन कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ठीक है ना, तो ध्यान रखना डेमो क्लासेज बंद हो रही हैं यूट्यूब पे, तो आज दिवाली ऑफर भी निकलेगा थोड़े टाइम बाद या कल सुबह तक आ जाएगा, तो उसमें फटाफट कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अपने नॉन को भी सभी को कोर्स ज्वाइन कराओ, जितने ज़्यादा जने ज्वाइन करेंगे आपस में मिलकर आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आप लोगों को। और लगातार लाइव लगाओ क्लास, हाँ किसी एक दिन मिस हो जाए तो बहुत इमरजेंसी में तो रिकॉर्डेड लगा लो, लेकिन कोशिश करो लाइव ही लगाओ। हाँ जी, कितने का गैप है, 2 का, इसमें 1 जोड़ोगे, बीच की संख्या आ गई, मिड पॉइंट की स्केयर, इसकी स्केयर कितनी होती है, 1, डिफरेंस कितने का, 1, 1 की स्केयर घटाया, ए 2 दै तो ए तो 1 का होगा ना, 1 की स्केयर घटाने, ए 2 दै 2 की घटावे, ए 3 दै 3 की घटावे, ए 1 दै 1 की घटा, ए नहीं देखना ए किन्ने दै, ए देखना इन दी स्केयर घटावे, इनू बोलते मैं डिफरेंस। मेरे से तुसी कितना जोड़े उन दी स्केयर घटावे, मेरे से तो तुसी 1 जोड़े 1 की स्केयर घटावे, बहुत सवाल प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को मिलेंगे। अब उल्टा देखो, मैंने बोला 10 × 14, आपने मिड पॉइंट निकाला, इसकी स्केयर में से डिफरेंस की स्केयर, 12 की स्केयर 144 में से 2 की स्केयर 4 घटाया 100,
लेकिन अब उल्टा अगर मैं ऐसा करूं कि दो संख्याएं हैं जिनमें चार का गैप है, कितने का गैप है, देखो ये चार ज्यादा ना, इससे 14 जो है 10 से चार ज्यादा ना, वो ऐसे दे देंगे। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 140 है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 140 है, एक्स क्यूली निकालो। लोग ना बड़े लेंथी वे में एक्स को एक्स से गुना कर, एक्स को चार से गुना कर, वो इधर लेके आ, क्वाड्रिफिकेशन बना, फलाना कर, बड़ा लेंथी बेकार तरीका करते हैं। ऐसा करने की जरूरत शॉर्टकट, हम दोनों, ये मैं हूं ये आप हो, हम दोनों में कितने का गैप है, तो मेरे में कितना जोड़ोगे, क्या आ जाएगा मिड पॉइंट, क्या आ जाएगा मेरे में कितना जोड़ा है। देखो अगर हम इधर से इधर जा रहे थे तो डिफरेंस किसके ओर घटा रहे थे, इधर से इधर जा रहे थे तो डिफरेंस किसके ओर, लेकिन उधर से इधर आना है, उधर से इधर आना है तो डिफरेंस किसके ओर जोड़ेंगे, कितने का डिफरेंस है, दो किसके ओर जोड़ दो, कितनी होती है चार, दो किसके ओर कितनी होती है चार, 144। जो भी आंसर आएगा उसका रूट करो, रूट भी सिखाया था ना दो सेकंड में, अभी तो छोटी रकम है मुझे नहीं याद है ये 12 की स्केयर होती है, लेकिन बड़ी भी संख्या आ जाए तो मैंने आपको सिखाया हुआ है दो सेकंड में स्केयर रूट कैसे निकाल देते हैं। तो ये जो 12 आंसर आया है ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी एक्स की वैल्यू नहीं आई, एक्स प्लस 2 बराबर 12 आ गया, तो एक्स बराबर क्या होगा, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, जो भी रूट करके आंसर आएगा वो मिड पॉइंट की वैल्यू आएगी, मिड पॉइंट एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, मिड पॉइंट से एक्स की वैल्यू, मुझे नहीं निकलेगा, कितना फास्ट तरीका है, बिना पेन के निकालोगे देखना आप, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 बराबर, अगर मैं आपको कहूंगा 224 है, क्या है एक्स की वैल्यू, तो 14, वेरी गुड यार, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 14, 14, बिना पेन के भी ट्राई कर सकते हैं कई लोग, आ गया आंसर। सबसे पहले हम दोनों में कितने का गैप है, हम दोनों में कितने का गैप है, कितने का गैप है, दो का, मेरे में कितना जोड़ोगे, क्या आ जाएगा मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट, हम दोनों में कितने का गैप है, कितने जोड़ोगे मेरे में, हम दोनों में कितने का गैप है, कितने जोड़ोगे, अगर दो जोड़ा है तो दो किसके उधर जोड़ो, और अगर एक जोड़ा है तो एक किसके इधर जोड़ दो, मेरे में कितना जोड़ोगे उतने की स्केयर उधर जोड़नी है, एक की स्केयर कितनी होती है, एक ही होती है, एक जोड़ना 224 और एक 225 का स्केयर रूट क्या होता है, 225 का स्केयर रूट क्या होता है, ये 15 एक्स के लिए नहीं है, एक्स प्लस 1 बीट पॉइंट के लिए, एक्स के लिए क्या होगी, एक उधर जाकर माइनस होगा 14, ये 14 है, ये 14 और 2 16 है, और 14 इंटू 16 करके देख लो 224 ही आएगा, समझ आ रहा है, एक्स इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 396, बिना पेन के एक्स के लिए दो, क्या आएगा, हम दोनों में कितने का गैप है, मिड पॉइंट निकालना है, मेरे में कितना जोड़ोगे, मैं कौन हूं एक्स, ठीक है ना, मेरे में दो जोड़ोगे, अगर मेरे में दो जोड़ा है तो उधर भी कितने की स्केयर जोड़ेंगे, दो की स्केयर जोड़ेंगे, बिल्कुल चार, चार जोड़ा कितना आ गया 400 का रूट, ये 20 जो है एक्स प्लस 2 की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू नहीं है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, दो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 18, ये 18 है, ये 18 और 4, आप 18 इंटू 22 करके देख लो, यही आएगा,
समझ रहे हो पक्का? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 7। क्या आएगी? 7। अपने पड़ोसी को समझाओ, उसको कम समझ आया तो अपने पड़ोसी से पूछो, उसको समझ आ गया? तो हम दोनों में कितने का गैप है? मेरे में कितना जोड़ोगे? अगर मेरे में 3 जोड़ा है तो उधर भी 3 की स्क्वायर जोड़ेंगे, 3 की स्क्वायर रूट करेंगे 10। ये 10 एक्स प्लस 3 बीच वाली संख्या की वैल्यू आएगी। तो x बराबर ये 7 है, 7 और 6 13, और 13 7 91 ही होता है। पहले हम सीखे थे इधर से इधर जाना, अब हम सीखे हैं उधर से वापिस इधर आना। ये वीडियो भी घर पे जाके दोबारा देख सकते हो, कितनी अच्छी फैसिलिटी है आपको। यहाँ पे जो भी मैं कराऊंगा ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है बातें, और आप यही बात घर पे जाके दोबारा देखना अगर आपको थोड़ा कम समझ आए। अभी तक यहाँ पे जो रकम आ रही थी आपको उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मुझमा नहीं पता था क्योंकि वो 20 तक का स्क्वायर था। लेकिन अगर बड़ी बड़ी संख्या आ गई तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं एक्स इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 7740। अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? अब काम आएगा स्क्वायर रूट करना। इतनी बड़ी संख्या पेपर में लोग हैरान रह जाएंगे और तुम दो दो सेकंडों में निकालोगे। चार का गैप है मेरे में, कितना जोड़ोगे? 2। 2 जोड़ा है, 2 की स्केयर इधर जोड़ दो 4, 7744। अब स्केयर रूट वाली ट्रिक लगाएंगे, 2 डिजिट काटो, इससे छोटी परफेक्ट स्केयर संख्या 64, 8 की स्केयर। 8 नीम छोटी है बड़ी? बड़ी। ये 2 और 8 की वजह से आता है 8 आएगा, तो एक्स के लिए आएगी 80। अब आप कहोगे मैं तो स्केयर रूट भूल गया, तो वो भी वीडियो दोबारा देखना। और क्या है, स्केयर रूट सिखाया था ना 2 सेकंड में, याद है नहीं याद बातें सारी मिक्स हो गई है यहाँ पे, है ना। अब छुट्टियां मिल गई, अब यही तो फायदा उठाएंगे हम लोग। चलो तो अब देने जा रहा हूं आपको छुट्टियों का होमवर्क। सबसे पहला होमवर्क नोट कर करो, और सारी बातें मेरी माननी है, जो नहीं मानेगा मैं पहले कह रहा हूं पछताएगा। पहला होमवर्क, फेयर रजिस्टर में 1 से लेकर 140 तक की स्केयरें लिखना, 40 तक याद करना। अच्छा एक बात और कान खोल के सुन लो, हो सकता है बुधवार को मैं एक टेस्ट कंडक्ट करूं, और अगर आप कहना ना मान के आए हो सकता है मैं आपको आउट करूं। समझ गए? जब तुम बेमन से आए हो मेरे को रखने का क्या फायदा है? मुझे लालच थोड़ी तुम्हारी फीस का। कान खोल के सुन लो, बुधवार को जब हम मिलेंगे मैं एक टेस्ट कंडक्ट करूंगा। अगर मुझे लगा ये छुट्टियां आपने बर्बाद की है, इसका मतलब आपका दीन मान ही नहीं है कोई, आप कुछ बनना ही नहीं चाहते, आप गोड्डे घसीट के गंदी जिंदगी जीने वाले लोग हो, आपको मैं नहीं रखूंगा यहाँ पे, मैं पहले कह रहा हूँ।
मेरा कहना मान लेना, जो लोग मैं तो लेट आया हूँ सर कोई बात नहीं, मैं आपको तरीका बताऊंगा कहाँ पे ये वीडियो पड़ी है सारी की सारी, ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से सारी कवर कर लेना। 3 दिन किस लिए? 40 तक याद होनी चाहिए। मैं पूछूंगा ना 31 किसकी और 32, 24, 28, दिक्कत होगी भाई, इंसान हो, एक बार में थोड़ी चीज याद हो जाएगी, 10-10 बार करने पड़ेंगे। वह मत रहना, मैं भी जब सीखता होता था एक एक सवाल मुझे 10 बार जब मेरी आंखों के घूमे तब जाके याद हुए तुम किस खेत की मूली हो। 10 बार पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना, पहले ही हौसला गिर दो यार, याद ही नहीं होती, ऐसे याद हो जाएगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। 41 से लेके 70 तक किसके और 50 वाले रूल से करना, और 71 से लेके 100 वाले जो है ये 100 वाले रूल से करना, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस करना। स्क्वायर रूट वाली ट्रिक इवन नंबर गैप ट्रिक और लास्ट काम जो सबसे खूंखार है टेबल पहाड़े। मैंने 12 के पहाड़े से शुरुआत किया, आपने शुरुआत करनी है 4 के पहाड़े से। कितने के पहाड़े से? पहले 4 का पहाड़ा लिख लेना है, खूंखार तरीके से रट्टा लगा लेना है पूरा 4 का पहाड़ा। जब आपको लगे रट्टा लग गया तो मैं 12 का पहाड़ा याद करूंगा, जैसे ही रट्टा लग गया इतना 12, 98, 92, 84, 84, ऐसे याद होना चाहिए, ऐसा ना 12, 7 के लिए 12, 5, 7, 12, 6, 72, 72, 84, ऐसे गिनना ना पड़े आपको। इस टेबल को खूंखार तरीके से रट्टा लगाना है, इमेज बन जाए इसकी माइंड में, और जब लग गया खूंखार तरीके से याद हो गया उसके बाद अपने आपको देने 3 सवाल। कितने सवाल देने हैं? लिखने हैं 3 सवाल। चलो मैंने अपने लिए 3 सवाल लिखे, 8, 5, 4, 7, 8, 5, 3, 2, 7, 8, 9। मैंने 12 का पढ़ा याद किया तो मैं सभी को 12 से गुना करूंगा, आपने 4 का पढ़ा याद किया होगा, शुरुआत 4 से करना, 12 से मत करना मेरी तरफ। अब ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने मोबाइल में स्टार्ट करनी है स्टॉपवॉच। क्या स्टार्ट करनी है? मोबाइल में स्टार्ट करनी है स्टॉपवॉच। ध्यान रखना एक क्वेश्चन के मल्टीप्लाई में आपको 20 सेकंड लगने चाहिए, 20 सेकंड से कम लगने चाहिए, तो 3 क्वेश्चन है 20, 20, 20, 60 सेकंड यानी 1 मिनट, यानी आपका ये तीनों क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए। कितने मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए? अगर 1 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं इसका मतलब ये वाला टाइप तो हो गया पास एक तरीके से ना। चलो देखते हैं। अच्छा ध्यान रखना जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 12 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 2 और 1 से अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि 12 का पढ़ा मुझे याद है, मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। मैंने स्टॉपवॉच स्टार्ट की, 12 चौक 48, 4 हंसिल, 12 5 60 और 4 64, 6 हंसिल, 12 6 72 और 6 78, 7 हंसिल, 12 8 96 और 7 हंसिल थी 103, ये आ गया आंसर। और मैंने स्टॉपवॉच जो है वो रोक देनी है, मैं तीनों पे रोकूंगा, उसे तीनों कंप्लीट करने पे रोकूंगा। ये मैंने अभी एक ही किया है, हालांकि 16 सेकंड है और 2-3 सेकंड तो मैं स्टॉपवॉच की तरफ गया तब लग गया मेरे को, मेरे ख्याल से 10 सेकंड में मैंने कर दिया होगा, 10 सेकंड में आपको मैंने दिए 20 सेकंड, एक सवाल पे 20 सेकंड दिए, बहुत अच्छा टाइम दे दिया, बहुत नजायज अच्छा टाइम दे दिया। ध्यान रखना, एक मिनट ध्यान रखना, मैंने गुना किया, देखो शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, 12 चौक 48 का मैंने क्या लिख दिया 8, कितनी हंसिल आ गई, ये 4 कैरी ऑन यहां पे लिख दिया, अगली बार जोड़ूंगा 4। अब 12 5 4 हंसिल थी, 64 का क्या आ गया 6 हंसिल आ गई, देखो 12 6 72 और 6 78 का क्या आ गया 7 हंसिल आ गई, 12 8 और 7 हंसिल थी 103। समझ आ रहा है? शुरू में दिक्कत आएगी भाई आप लोगों, शुरू में दिक्कत आएगी, तीनों सवाल सोल्व करके स्टॉपवॉच रोकनी है, तीनों सवाल सोल्व करके स्टॉपवॉच रोकनी है और देखना है अगर तीनों सवाल 1 मिनट में हो गए इसका मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं लग गया। 2 चीजें करनी होती, एक मल्टीप्लाई एक डिवाइड, एक मल्टीप्लाई एक अब डिवाइड करेंगे। आपने यहां पे एक ऐसी संख्या लिखनी है जो रियली 12 का मल्टीपल ही हो, ये 12 का मल्टीपल ही है, ये ऐसे मर्जी से मत लिख देना, 2 4 6 8 4 2 / 12 ऐसे मर्जी से मत लिख देना, मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें सच में 12 का भाग जाता हो, आपको हमें कैसे पता लगेगा? तो आप ना कैलकुलेटर में कोई भी रकम लिख लेना 4 डिजिट की, 7 8 5 3 × 12, कैलकुलेटर जो भी आंसर देगा
वो लिखा करो यहाँ पे, वो 12 का मल्टीपल ही होता है, ध्यान रखना, दिमाग लगा के और डिवाइड बाय 12 करना। ऐसे तीन सवाल लिखने, कितने सवाल लिखने हैं, तीन मल्टीप्लाई 60 सेकंड होनी चाहिए, तीन डिवाइड भी 60 सेकंड होनी चाहिए, लेकिन चलो इसके अंदर 10 सेकंड है, डिवाइड में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, डिवाइड में हम कितने सेकंड दे देंगे अपने आपको, 70 मान लो, चलो 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो, एक मिनट 10 सेकंड होता है, 60 सेकंड का मतलब एक मिनट होता है, ऊपर 10 सेकंड, एक मिनट 10 सेकंड में हो गए, इसका मतलब डिवाइड भी हो गए, जब डिवाइड भी हो जाए तो आप अगला पाड़ा स्टार्ट कर सकते हो, जैसे 12 हो गया आप 13 कर सकते हो, जैसे आप 4 करोगे 5 का कर सकते हो, तब तक अगला पाड़ा नहीं करना जब तक ये तीनों मल्टीप्लाई 60 सेकंड और तीनों डिवाइड 70 सेकंड में ना होने लग जाए, तब तक अगले पाड़े पे जाना ही, कान खोल के सुन लो, आप 4 के पाड़े पे बैठे हो, बैठे रहो 2 घंटे, जब 4 का पाड़ा ओके होगा तभी 5 पे जाना है, और डिवाइड ऐसे नहीं करना, डिवाइड ऐसे, एक बार मैं ऐसे करके दिखाता हूं आपको, देखो 103 848 डिवाइड बाय 12, इसमें 12 का भाग जाता है नहीं, फिर 2 डिजिट हो रहा, 12 का भाग जाता है नहीं, 3 डिजिट 12 का भाग जाता है, हाँ आप जाता है, 12 8 103 में से 96 गया, 1 डिजिट उतारते होते, 1 डिजिट 8 उतरेगा, 12 6 कितना बचा, फिर 1 डिजिट उतरेगा, 12 5 है कितना बचा, फिर एक लास्ट डिजिट उतरेगा, 12 4 हो गया, ये आंसर आ गया है ना, लेकिन ऐसे नहीं, यहीं पे करेंगे, इसमें जा रहा है भाग नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, 12 8 दिमाग में लिखने, इसके नीचे 96 दिमाग में लिखने, इसके नीचे 96 आ गया, जैसे ये 96 नहीं दिमाग में आएगा, 103 में से 96 गया 7, 7 के साथ क्या लगाएंगे, 78 हो गया, 12 6 इसके नीचे 72 आ गया, कितना बचा, 6 के साथ 4 जुड़ेगा 64, ये वाला 64, 12 5 है 4 बच गया, 4 और 8 48 12 4 48 ऐसे काट रहे हैं, समझ गए, यहीं पे कटिंग करना है, दिक्कत आएगी भाई, थोड़ा सब्र रखना यार, तभी तो मैं आपको 4 के पाड़े से शुरुआत कर रहा हूँ, मैं 12 से नहीं शुरुआत कर रहा ना, 12 पे आके दिक्कत आएगी, जब संख्या 2 डिजिट की आएगी, मैं तो आपको पहले 4 से कटिंग कराऊंगा, ये मैं कहूँगा 4 का पाड़ा, शुरुआत किससे करनी है आपने, 4 का पाड़ा, देखो 4 का पाड़ा, 4 दूनी कितना बच गया, 2, 2 के साथ 3 आ गया, 4 5 20 3 बच गया, 4 निम 36 2 बच गया, 4 6 24 4 2 8 लो हो गया, आपने 4 से शुरुआत करनी, शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, एक बार ध्यान रखना, मैंने कौन से पाड़े से शुरुआत किया है, आप कौन से पाड़े से शुरुआत करोगे, सबसे पहले 4 का पाड़ा रटा लगाओ, 3 क्या करने है मल्टीप्लाई, अगर 3 आपने यहाँ पे 4 4 लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है, 4 से गुना 4 से गुना 4 से गुना, समझ आ गया, और जब मल्टीप्लाई 60 सेकंड में हो जाए तो फिर क्या करना है, जब डिवाइड 70 सेकंड में हो जाए फिर क्या करना है, अगला पाड़ा 5 के पाड़े पे आ जाएंगे, समझ गए, आपने कम से कम दिवाली के बाद 15 तो मिनिमम है ही सभी का, कोशिश करनी है 20 की, 15 तो सभी को करना ही करना है, आसान मत समझ लेना भाई, मैं कम से कम पहले कह रहा हूं 30-35 घंटे लग जाएंगे आपको यहां तक पहुंचते, 30-35 घंटे, पूरी एक रफ बुक भर जाएगी, पूरी रफ बुक भर के आनी है। अच्छा प्राइस है, ध्यान रखना, आपने क्या करना है, ये 21 टन है, इसको दूसरा नंबर बोलेंगे, इसको तीसरा नंबर बोलेंगे, आप और प्रैक्टिस कर रहे हो मल्टीप्लाई की, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा, ऐसे हर एक क्वेश्चन के आगे नंबर लिखते रहना, 3-3 क्वेश्चनों के आगे, जिसके सीरियल नंबर सबसे ज्यादा होंगे, जिसके सीरियल नंबर सबसे ज्यादा रफ वर्क किया होगा, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, उसको 1100 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा बुधवार को, जो सबसे ज्यादा पागलपन करके आएगा उसको कितने रुपए का कैश प्राइज मिलेगा, 1100 रुपए का, समझ आया, सीरियल नंबर लगा के आना, ऐसा ना यहां पे आके सीरियल नंबर लगाने लगे, आपने 4 का पड़ा पड़ा और मल्टीप्लाई कम से कम 50 कर दिया। अच्छा एक 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 बात, कई लोग क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, चीटिंग कैसे करते हैं, वो क्या करेंगे, ये रकम कैलकुलेटर में टाइप करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहां पे लिख देंगे, कैलकुलेटर में करके आ जाएंगे सारा सवाल काम, ताकि प्राइज जीता जा सके, लेकिन ध्यान रखना मैंने क्या कैसे किसको प्राइज दूंगा, 4 8 32 32 का 3 हंसिल बची ना, 3 यहां पे लिखा होना चाहिए, 4 4 16 और 3 एक, ये कैरी ऑन लिखा होना चाहिए, तो मुझे पता लगेगा आपने कैलकुलेटर की हेल्प नहीं ली, समझ गए, चलाकी अगर की हिसाब लगा लेना, समझ गए, यानी जेन्युइन कैंडिडेट को प्राइज मिलेगा, जितने भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे सीरियल नंबर लगाते रहना, जिसके सीरियल नंबर सबसे ज्यादा होंगे उसको 1100 रुपए का कैश प्राइज देंगे, देखते हैं कौन पागलपन करके आएगा।
पढ़ो यार, और क्या चाहिए, अब तो एक गेम भी खिला दिया आप लोगों को, एक गेम ही बना दिया, अभी तीन दिनों में सबसे ज्यादा रफ बुक कौन भरेगा, मेरे ख्याल से पूरी एक रफ बुक पूरी भर जाएगी, जो प्राइज जीतेगा उसकी रफ बुक पूरी भर जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी साथ में, बाई चांस आपने पागलपन किया और जीते नहीं, लेकिन एक चीज तो मिल गई ना, या तो हो गया, ये भी तो देखो, जीतने के लिए मत प्रैक्टिस करना, सीखने के लिए प्रैक्टिस करना। 15 तक तो मिनिमम सभी के पाड़े ओके होने चाहिए, लेकिन जो 20 तक करेगा, अगर किसी ने 20 तक कर लिए, और मैं यहां पे 3 मल्टीप्लाई दूंगा, कितने मल्टीप्लाई दूंगा, 3 मल्टीप्लाई दूंगा, और सच में उसने एक मिनट में कर दिए, उसको 500 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। 20 तक कर लिया आपने, आप कहोगे सर मैंने 20 तक कर लिए, और मैं उन सभी लोगों को आगे बुला दूंगा और 3 क्वेश्चन दूंगा, जिन्होंने 3 क्वेश्चन एक मिनट में कर दिए उन सभी लोगों को 500 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। समझ गए, समझ गए, ये 500 तो सभी लोग अपनी फीस में से कम करवा ही लेना मेरे से एक तरीके से, समझ गए, सभी लोग 20 तो करके लेके आना, लेकिन 3 मल्टीप्लाई दूंगा, यहां पे स्क्रीन पे 3 मल्टीप्लाई होंगे, मैं करो स्टार्ट, आपने फटाफट तीनों मल्टीप्लाई करने अपनी बुक के अंदर, और अगर आपने तीनों मल्टीप्लाई 60 सेकंड में कर लिए और तीनों आंसर सही हुए, 500 रुपए लो चक, और क्या चाहिए तुम लोगों को, ये सारा होमवर्क आप लोगों ने कंप्लीट करके आना है। ऑनलाइन वाले कान खोल के सुन लो, आप लोगों ने भी होमवर्क कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है मेरे यहाँ पे ऑफलाइन वाले बैठे तो बस यही करेंगे, तुम लोगों ने भी कंप्लीट करना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हैप्पी दिवाली तुम लोगों को, बाकी हो सकता है मैं दिवाली वाले दिन या उससे एक आगे पीछे कुछ यूट्यूब पे लाइव हूँ स्पेशल आपके लिए, या ऐप में लाइव हूँ, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलो तो हैप्पी दिवाली आप लोगों को भी, और अगली दिवाली मैं आपको पहले कह रहा हूँ यार अपने पैरों पे, अगली दिवाली जब आएगी उससे पहले पहले हमको सभी को सेटल हो जाने, हो जाओगे। चलो ऑनलाइन वालों को तो टाटा बाय बाय करो। हाँ जी, तो कैसी लगी आज की क्लास, उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगी होगी, तो देरी मत कीजिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था यार, पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा रिजल्ट हमारे हैं, तो इससे पहले आप लोग लेट हो जाओ, क्योंकि अभी बैच अभी स्टार्ट हुआ है, अभी से हमें फॉलो करोगे, अभी से साथ साथ सिलेबस कंप्लीट करोगे तो फायदे में रहोगे, ध्यान रखना। अभी के अभी कोर्स ज्वाइन कर लो, कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फटाफट प्ले स्टोर में जाकर अरोड़ा क्लासेज ऐप डाउनलोड करो, जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर में सर्च करोगे अरोड़ा क्लासेज, आपको ब्लू कलर के लोगो वाली एक ऐप नजर आएगी अरोड़ा क्लासेज, हालांकि ये जो है आप ऐप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप में भी चला सकते हो, लैपटॉप में कोई यानी ऐप चलाने की जरूरत नहीं, आपको अलग से लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसे आप हमें व्हाट्सएप करके मांग सकते हो। अच्छा, जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे नेम कॉन्टैक्ट नंबर जीमेल आईडी भरोगे, उसके बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी, है ना, मोबाइल की स्क्रीन इस तरह की नजर आएगी, और इसके बिल्कुल बीच में मोबाइल के बीच में देखना नीचे नीचे सबसे नीचे स्टोर बटन होगा, जैसे ही स्टोर बटन पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपने सर्च करना है अक्टूबर बैच ओसीटी बैच, या लिख दो पंजाब स्टेट, आपके टॉप में ये वाला कोर्स आ जाएगा, है ना। तो जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे, इस कोर्स पे क्लिक करोगे, है ना, आपको नीचे पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, तो ऑफर प्राइस में ये कोर्स जल्दी से ज्वाइन करो, इससे पहले इसके चार्जेज जो है इंक्रीज हो जाए, जनरली हमारे चार्जेज जो है कुछ दिनों बाद इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, तो फटाफट अभी ऑफर कितने नॉमिनल चार्जेज हैं, मैं फटाफट ये कोर्स अभी कभी बाय करो। हाँ, जिन लोगों के पास आईफोन है वो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे, उनके पास जो है अरोड़ा क्लासेज ऐप उनको नजर नहीं आएगी ऐप स्टोर में, उसके लिए ORG कोड भरना पड़ेगा, जो भरना है ARC, जो भरना है ARC। अच्छा, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8822010101 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या 9874230815 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग आज ही ज्वाइन करोगे और सफलता की ओर एक कदम बढ़ा लोगे, ठीक है, देरी मत करना, जो लोग कल कल करते हैं वो कभी कामयाब हो ही नहीं पाते, अभी के अभी एक्शन लो और ये कोर्स ज्वाइन करो। ओके।